सो फाइनली गाइस हमारे गेम के अंदर इंडियन ट्रैक्टर गाइस आप देख सकते हो। जी हाँ गाइस, इंडियन ट्रैक्टर और साथ में गाइस सब न्यू जितने भी चिट कोड गाइस, सब जितने भी आपको प्रॉप्स दिख रहे हैं गाइस, सब ये मैंने अपनी गेम के अंदर ऐड कर लिया। और गाइस सब आप साथ में देख सकते हो, साइड में हमारा मोड है गाइस सब, इसको कंट्रोल जो रोटेट मोड है गाइस सब, इसको कैसे ऑन करना अपनी गेम के अंदर। और साथ में गाइस सब जो इंडियन ट्रैक्टर है वो आपको किस तरह मिलेगा गाइस सब, तो आज की वीडियो में बने रहेगा गाइस। वीडियो को लाइक कर दे जोरदार सा। मैं बताता हूँ इंडियन ट्रैक्टर का चिट कोड क्या रहने वाला है। 5643 डायल कर अपने गेम के अंदर आप इंडियन ट्रैक्टर है जो गाइस आपको न्यू अपडेट्स के अंदर ऐड हो चुके गाइस साहब। जी हाँ गाइस, मैंने कल वीडियो बनाई थी कि आपको जो इंडियन ट्रैक्टर है गाइस वो उसका अपडेट थोड़े दिन में मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपने मेरी वीडियो देखा हो तो गाइस आपको पता होगा कि कल परसों मेरी जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने बताया था अगर कल परसों अपडेट आ गया तो गाइस मैं उसका चिट कोड बता दूंगा। जैसे कि मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ गाइस आपको, कितने ऑसम कलर है गाइस साहब। अगर आप इसको ब्लू कलर में करोगे तो गाइस साहब और भी ज्यादा मस्त लगेगा गाइस साहब। और इसके साथ ही गाइस मैं आपको बताता हूँ गाइस साहब जो प्रॉप्स है गाइस साहब उसको कैसे करना है गाइस अपनी गेम के अंदर स्पॉल करवाना है। सबसे पहले तो गाइस अपनी गेम को जो अपडेट कर लो गाइस आप, क्योंकि बहुत तगड़ा अपडेट आ रहा है अपनी गेम के अंदर। ये जो इंडियन ट्रैक्टर गाइस अभी उसी के बाद ऐड हो गया। और गाइस अब ये जो प्रॉप्स दिख रहे हैं गाइस अब ये आपको अपडेट करने के बाद ही मिलेंगे। और गाइस अब ये जो रोटेट मोड है गाइस अब इसको भी ऑन कर सकते हो अपनी गेम के अंदर। इसी की हेल्प से आप प्रॉप्स को सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं प्रॉप्स का चिट कोड डाल लेता हूं गाइस R2 डायल करके, आपको अपनी RGB टूल के अंदर R2 डायल करना और आपका प्रॉप्स जो आ जाएगा। और गाइस अब आपको इसको सेट करना पड़ेगा। कैसे गाइस देख रहे हो, जैसे कि मैं सेट कर रहा हूँ गाइस इसको। और साथ में गाइस अगर आपको ऐसे सेट नहीं करना तो आप मोड से सेट कर सकते हो। जैसे कि मोड लिखकर आप मोड ऑन लिख देना, बस आपका सिंपली जो रोटेट मोड होगा गाइस वो आ जाएगा। फिर आप ना रोटेट मोड से जो अपनी गेम के अंदर ये जो प्रॉप्स है गाइस इसको सेट कर सकते हो जैसे कि ईजिली तरीके से। गाइस कुछ दिन पहले तो ये जो मोड था गाइस ये नहीं आया था, तो आपको ऐसे ही थोड़ा सा हाथ से ही करना पड़ता था। लेकिन जो अब है गाइस अब इसमें कंट्रोलर दे दिए गए गाइस, आपको देख सकते होगे कितने ऑसम कंट्रोलर दे दिए हैं गाइस हमारे गेम के अंदर। और आपको हेल्प हो गई गाइस साहब, आपको कुछ भी कर सकते हो गाइस, आप कुछ भी मेड कर सकते हो गाइस न्यू टेक्निक से। और गाइस साहब इसके साथ में जब जितने भी न्यू चिट कोड आने वाले गाइस हमारे गेम के अंदर वो भी आज हमने ले लिया गाइस साहब। जो प्रॉप्स है उसका तो चिट कोड पता लग गया, लेकिन गाइस हमारे गेम के अंदर बहुत सारे प्रॉप्स आए गाइस। जी हाँ गाइस साहब, बहुत सारे प्रॉप्स आए गाइस हमारे गेम के अंदर। और गाइस साहब उनके चिट कोड क्या रहने वाले गाइस मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको R2 डायल करके ये प्रॉप्स का तो पता लग गया हो गाइस, जैसे कि मैं सेट कर रहा हूँ गाइस। और ये मैंने प्रॉप्स जो है अब इजिली तरीके से सेट कर लिया गाइस आप सिंपल तरीके से गाइस। और सेकंड जो प्रॉप्स होने वाला है उसको डायल करने का मतलब चिट कोड गाइस क्या होने वाला है, R3 गाइस। जी हाँ गाइस, जो पिछले वाले का तो गाइस वो R2 था और इसके वाले का जो गाइस वो R3 है गाइस। और आपको करना कैसे कर रहा है गाइस, जैसे कि आपको इस पे थोड़ा सा क्लिक करना है गाइस, जैसे कि मैं फिंगर कर रहा हूँ गाइस। और इसको आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है गाइस, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ऊपर कर ले आप इसको, सिंपल तरीके से आपको ऊपर करना है गाइस। जैसे कोई कुछ भी करना नहीं पड़ेगा गाइस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सिंपल आपको जो रोटेट मोड दिख रहा है गाइस, जैसे कि मैंने बताया गाइस आपको RGB टूल के अंदर जाकर रो मोड ऑन लिखना पड़ेगा, MODON लिखना पड़ेगा गाइस। और आपका जो है टिक करते ही आपका जो हो जाएगा सेट, मतलब आ जाएगा जो मोड है गाइस अब रोटेट मोड वो आपकी गेम में शो होना चालू हो जाएगा गाइस। उसको ऑफ करना तो गाइस सिंपली ऑफ करना पड़ेगा गाइस, ऑफ लिखना पड़ेगा वो आपका ऑफ हो जाएगा। जैसे कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ गाइस, जैसे कि यहाँ से कंट्रोल करके जैसे कि प्लस पे क्लिक करो तो गाइस ये साइड में हो रहा थोड़ा सा। अगर माइनस पे क्लिक करूँगा तो जैसे कि मैंने सेट कर लिया गाइस, उसका सेकंड जो होने वाला है जो मैं डायल कर देता हूँ R4, तो उसका जो सेकंड प्रॉप्स है मतलब थर्ड प्रॉप्स है वो हमारी गेम के अंदर आ चुके गाइस। ये जितने भी ज़्यादा प्रॉप्स देख रहे हो गाइस अब, ये अगर आपको लेने हैं तो गाइस हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि गाइस आपको मैं जितने भी सारे अपडेट्स बता दिए गाइस आज की वीडियो में। उसके साथ में गाइस मैं कुछ और अपडेट्स बताने वाला हूँ, जैसे कि हमारे गेम के अंदर जितने भी ऐड न्यू प्रॉप्स हुए हैं गाइस उनके तो आपको चिट कोड थोड़े बहुत पता लग गए, लेकिन गाइस और भी ज़्यादा अमेजिंग प्रॉप्स हमारे गेम के अंदर ऐड हुए गाइस उनका चिट कोड कैसे पता लगेगा गाइस आपको। और गाइस एक प्रॉप और रहेगा, जैसे कि आप P18 डायल करो गाइस, जैसे कि मैं P18 डायल कर लेता हूँ और आपके सामने एक और जो है बॉक्स आ जाएंगे गाइस। ये बॉक्स है गाइस, इसको भी सेट कर सकते हो अपने गेम के अंदर डेवलप करने के लिए। तो गाइस मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ एरिया कैसा है गाइस, आप देख सकते हो कितना ऑसम एरिया बना दिया मैंने गाइस। आप भी इसी तरह गाइस कुछ ऐसी तरह ऐड करोगे, जितना अच्छी तरह से आप ऐड करोगे गाइस मेरे को पता है आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छे ऐड कर सकते हो गाइस। आप मतलब कितने ज़्यादा वर्क कर सकते हो आप मुझे पता है गाइस, क्योंकि आप बहुत सारी वीडियो बनाकर मेरे पास भेजते हो गाइस। तो आपको इसी के एरिया को और भी ज़्यादा एडिट करना पड़ेगा गाइस, आपको और भी ज़्यादा अच्छे एडिट कर सकते हो गाइस। मैं आप चाहूँगा कि आप एडिट करो गाइस। तो आज की वीडियो मैंने आपको बहुत सारे अपडेट बताए गाइस, जैसे कि आप फायर क्लिक करने से भी आप सब रिमूव कर सकते हो, जैसे कि मैंने करके दिखाया गाइस आपको सिंपली। और गाइस अब इसके साथ में गाइस मैं जो मोड ऑफ लिखकर अपने RGB टूल के अंदर ये जो मोड है गाइस इसको रोटेट मोड को ऑफ कर लेता हूँ, ताकि गाइस ऑसम दिखे हमारी गेम गाइस। आपको जब भी करने हैं गाइस, जब आप काम कर रहे हो मतलब कुछ डेवलप कर रहे हो गाइस, कुछ बना रहे हो, तभी आपको मोड
मोड जो है रोटेट मोड है गाइस, इसको ऑन करना, वरना गाइस कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। जैसे कि आप कहीं पर भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने पुलिस स्टेशन के सामने ही कर दिया गाइस, और आप देख सकते हो गाइस मैंने आपको क्या क्या बताया गाइस। 5643 डायल करते ही अपने गेम के अंदर क्या स्पॉल करा सकते हो गाइस, आपको पता ही होगा। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रैक्टर स्पॉल करा सकते हो अपने गेम के अंदर, 5643 डायल करके अपने गेम के अंदर ट्रैक्टर स्पॉल कर सकते हो गाइज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज, नेक्स्ट वीडियो में अब और भी ज़्यादा अपडेट्स आने वाले गाइज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लाइक कर दो गाइज हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टाटा।